चूली को किन्ने बताओ उसके पेट में आग बरसी। अच्छा हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं स्कूल जाने के लिए निकल रहा हूँ और मैं बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल के काम में और हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने में लग गया था तो इसलिए ब्लॉग कर नहीं पा रहा था। पूरे दिन पूरी रात दो तीन दिन तो मैं सोया नहीं और आज भी नहीं सोया। अब जा रहा हूँ, हो गया मेरा हॉलीडे कंप्लीट। अब आपको शायद डेली ब्लॉग्स देखने को मिल सकते हैं, दो दिन या एक दो दिन छोड़ के तो मिलते हैं। डेली ब्लॉग करने का मैं ट्राई करूँगा, वही है फिर ज़्यादा वजन पड़ जाता है स्कूल का काम ट्यूशन और फिर पढ़ाई वगैरह, तो इसलिए दो दिन बेटर लगता मुझे, दो दिन में डालना तो एक दिन में एडिट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब जा रहे हैं हम स्कूल, नाश्ता कर लूँ, बैग पैक तो मैंने लगा लिया, अब नाश्ता करके चलते हैं स्कूल। फिर घर आ फोन तो मैं ले जाऊंगा नहीं स्कूल, क्या ही ब्लॉग करूँगा वहाँ पे, मतलब अलाउ भी नहीं है। तो स्कूल से आके मिलते हैं, तब तक के लिए भाई। तो गाइस स्कूल से घर आ चुके हैं और पसीने से पूरे बाल भींग हैं, बहुत धूप थी आज। तो अब मैं कपड़े उतारता हूँ फिर फ्रेश होता हूँ फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस मैं स्कूल से आके सो गया था फिर ब्लॉग नहीं कर पाया, तो शाम की बज रहे हैं 7 और अभी जा रहा हूँ मैं आटा लेने, आटा खत्म हो गया घर में, मम्मी ने कहा आटा लेके आओ, फिर मैं दीदियों के साथ साउथ टेक जाऊँगा शायद से, तो फिर दिखाता हूँ आपको आगे मैं। तो गाइस हम आ चुके हैं साउथ टेक और मैं आटा लेके घर रखाया था, फिर कपड़े वपड़े चेंज करे फिर आ गए। तो अब दूसरी साइड जा रहे हैं, अपोजिट ना, अब क्या बोल रहा हूँ, अपोजिट जा रहे हैं वहीं पे पार्ट टू। हाँ तो चलते हैं, अभी तो लिफ्ट के अंदर एंटर हुए। तो गाइस ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, अभी तक कुछ लिया नहीं, अभी कोल्ड कॉफी ऐड कर दिया दो दीदी ने यहाँ से, अब कोल्ड कॉफी आएगी फिर देखते हैं ऑर्डर कर रहे हैं लोग। तो गाइस कोल्ड कॉफी बन रही है, दीदी ने कोक ले ली एक, क्यूली कोक इनने बताओ उसके पेट में आग बरसी। अच्छा अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो गाइस कोल्ड कॉफी आ गई है और बड़ा पाव और काठी रोल लिया, तो अब खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। नहीं तुम लोग खाओ, मैं वेट भर गया, मैं इतना नहीं खाता, डाइट है भाई मेरी भी। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो गाइस हम लोगों ने खा लिया और अब हम ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, पचा रहे हैं, वैसे खाना खाने नहीं आते ऐसे आते, तो वॉक करते करते फिर थोड़ी देर में घर निकल जाएंगे। तो गाइस हम अब वॉक तो कर नहीं रहे, यहीं बैठ गए मेट्रो के सामने, मेट्रो स्टेशन के सामने। हाँ तो आप जानते होंगे मेरी बड़ी दीदी डॉक्टर पारुली शर्मा, तो आप इनके पास आना, ये आपके दांत बिल्कुल सही कर देगी, चकाचक कर देंगी, ठीक है। क्या बोला तूने? तो मैं ही बोलूँगा और डिस्काउंट भी फ्री में करवाऊंगा, जो शुरू के 10 सब्सक्राइबर्स आएंगे और फिर बाद में सबके 50% डिस्काउंट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस रात के बज रहे 10 और ये लोग बातें करने लगे थे और मैं तो ऐसे ही ब्लॉग एडिट कर रहा था, क्या करता, मतलब बातें कर रहा था मैं भी बेसिकली। ये लोग बैठ गए थे और अब जा रहे घर, बस भी आ गई है, तो चलते हैं घर पे, मिलते हैं आपसे। सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं रात को घर आ गया था, फिर वही स्कूल का होमवर्क करने में लग गया था। अब होमवर्क ख़त्म तो होते ही नहीं है, तो रात दोपहर में आके मैं सो जाता हूँ, फिर ट्यूशन वही सब कुछ चलता है, तो
रात को टाइम मिलता है वहाँ करने का, फिर ये एडिटिंग अब मुझे थोड़ा शेड्यूल सुधारना पड़ेगा आपको के नीचे डार्क सर्कल्स। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये गाइस सुनना गाइस कितनी बेकार दीदी है, एक नंबर का ऐसी दीदी किसी को ना मिले, ये मेरे यूट्यूब से सजा यार।